when I was a little bitty baby, mama would rock me in the cradle in them old cotton field around on. क्या चल रहा है इन कम्युनिटी के साथ, क्या चल रहा है पॉइंट, क्या जो इसकी इनकी जो ग्रोथ है वो थम गई है, वो क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए, ब्लैकबोर्ड है क्लास में, पहले नहीं हुआ करता था, तो उनमें एक शब्द था कि सिर्फ प्ले ग्राउंड है कि क्लास है, तभी प्रॉपर ब्लैक बोर्ड है जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ बच्चों के लिए वहाँ पे लिया है, तो अभी उनका विश्वास बन गया कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं सही में, और वो भी स्कूल में जाके फीडबैक देते हैं बच्चों ने हमें कि मम्मी हम ये पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, उनके तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, तो इससे अच्छा लग रहा है, एक एनर्जी मिल रही है कि चलो हम ट्रैक पे है और अभी बढ़ रहा है। ऐसा वो कौन सा उसको एनवायरनमेंट मिला यहाँ जो इतना उसको एक्सपोज करने के लिए जगह मिली, तो ऐसा स्कूल में क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे को पड़ा था। शुरुआत में जो काम किया था, जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया था, फिलहाल उसका ही सहारा लिए लेके हम थोड़ा चल रहे हैं, जो भी एन वक्त पे सोचता है कि भाई चलो ये करके देखते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, अभी फिलहाल 2-3 दिन हो गए, हम अभी खेती करना शुरू किया बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, बच्चों के लिए भी, उन्होंने देखी है किसी किस तरह की रहती है, लेकिन एक्चुअल में बीज लगता कैसे है, फसल होती कैसे है, लगता कितना टाइम है, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के हम बच्चों के साथ थोड़ी बात करते हैं, कविता का पढ़ाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, बातें करते हैं, तो इस तरह से भी बच्चे बहुत खुल चुके हैं। शुरुआत में ऐसा होता था कि जो बच्चे नाम पूछा तो रोते थे, तो एक महीने के बाद ये रिजल्ट आया कि अभी बच्चे खुद आते हैं स्कूल में, खुद का नाम बताते हैं, ऐसे लगता है कि ऐसा करीब का रिश्तेदार है हमारे, वैसे दोस्त एक अच्छा मिल गया हमको, इस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं। और पढ़ रहा हो तो पढ़ क्यों नहीं रहा हो, ये क्यों का मतलब एक था जैसे कि अभी आपने आपसे साथ शेयर किया था, तो क्यों का मतलब क्यों ही क्यों होता है, इस क्यों का कोई एंडिंग क्यों नहीं, क्या है? तो यही ढूंढने के लिए एक जर्नी शुरू करनी थी, कोई चीज़ समझ भी नहीं आती जल्दी, तो कैसे मैं, ये मेरा वीकनेस है कि मुझे वो मीडियम मिल नहीं रहा सीखने का, तो खुद को तराशने के लिए ये उपाय के लिए, अब उपाय के थ्रू मैं अभी ये खुद का सफर शुरू किया है। शुरुआत के 3 महीने तो बेकार गए, लेकिन उसके बाद जब वो लगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है, तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका फल मिल रहा है, तो तब ऐसा अच्छा लग रहा था कि चलो अपने को एक रास्ता मिल गया। पहले तो रैंडमली जैसे कंप्यूटर एग्जाम करना है, फिर एक नौकरी मिली उसको कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए फिर मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस भी की, पढ़ते पढ़ते, तो उस दौरान जब लर्निंग कंपनी के बारे में पता चला था कि यहाँ है, तो यहाँ से पूरा अभी स्टार्ट, अभी पहले तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आती थी चलो प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेंगे, जो मिला वो कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से लगता है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ही जाना है, तो मज़ा आ रहा है काम करने में। और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, वो कंप्यूटर का नॉलेज अभी धीरे धीरे वो दौरान आ रहा है, फिर उनको फिर फोन पे शुरू करवा के दिया, तो फिर अभी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं यार ये अगर हमें पता पहले पता होता तो फिर हमारे तो नुकसान नहीं होता था, कुछ लोग वहाँ के कि भाई पढ़ना लिखना आता नहीं, तो बोले हमारे साथ बहुत धोखा हुआ, इसे कभी कभी 40 मिनट भी होता है रोज का, तो 4 लिखते कैसे वो मालूम, तो एंट्री कितनी रुपये कितनी लेकर की वहाँ पर की वो भी समझते थे, बोले वो भैया है कालू करके, उनको पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट है, लेकिन भैया चढ़ाना की जो जिम्मेदारी है उनके तरफ पूरे दिन भर, तो सुबह 6 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं, तो उनको बोल के टाइम ही नहीं रहता है, तो उनको पढ़ना चाहते थे, फिर वो फिर मैं उनको जो पढ़ना है वो मेरे से पढ़वा के ऐसे दिखा के, फिर वो उसकी शूटिंग करते हैं, फिर दिन भर गया में चढ़ाई करते, तो वो टाइम ही टाइम रहता है, फिर वो तब वो खोलते हैं, तो उन्होंने अभी से उनको इंग्लिश सीखना है वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने अभी उनका इंग्लिश पढ़ाना सीख रहे, तो लोग नहीं समझ रहे कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है और मैं जो खुद को बना रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हाँ। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मैं निकला, तो कुछ बच्चे लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहे थे, मैं आ गया, तो फिर बोले, तो उन्होंने से ये किया कि सर आप वही पढ़ाते हो बच्चों को, तो इस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाना, तो फिर शाम को वहाँ पे दोपहर को वहाँ पे क्लास चलता है, और शाम को फिर वहाँ पे क्लास लेता हूँ, फिलहाल वहाँ पे रहने खाने का मतलब कोई दिक्कत तो आ रही है, सब आप ही लगते हैं और अपनी की तरह हमको भी मानते हैं, हर प्रोग्राम में हर इसमें इन्वाइट करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, तो अच्छा लगता है।